जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ में बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर में जो निबंध रहता है वो 12 नंबर का पूछा जाता है। अलग अलग बोर्ड में निबंध के लिए अलग अलग नंबर निर्धारित रहते हैं। यूपी बोर्ड में 12 नंबर का रहता है, अदर किसी बोर्ड में 10 नंबर का भी रहता है, 8 नंबर का भी रहता है। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 5 ऐसे इम्पोर्टेंट निबंध बताऊंगा और निबंध कैसे लिखना है, कितने आसान तरीके में आप लिख सकते हो, लिखने के बाद आपको पूरे 12 नंबर कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं निबंध है वो किस टाइप के होते हैं, बोर्ड परीक्षा में कितने तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए टोटल 7 टाइप के निबंध हैं, इस कैटेगरी से निबंध पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है सोशल इश्यू, यानी भारत में अपनी कंट्री में क्या क्या सोशल इश्यू चल रहे हैं, या तो इसके ऊपर कोई निबंध पूछा जा सकता है। दूसरा नेशनल कंसर्न, राष्ट्रीयता हित के संबंध में क्या क्या इश्यू चल रहे हैं उसके रिलेटेड कोई निबंध आ सकता है। तीसरे नंबर पर आता है विजिट्स एंड प्लेसेस। चौथे नंबर पर आता है साइंटिफिक ऐसे, एंड पांचवें नंबर पर आता है जनरल टॉपिक्स होते हैं कुछ, छठवें नंबर पर एजुकेशन एंड यूथ, और सातवें नंबर पर बायोग्राफी। तो फ्रेंड, निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी आएंगे इन 7 टॉपिक से रिलेटेड ही आपका निबंध रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए 7 दिए हुए हैं, अगर इन 7 में से सिर्फ आप 3 इश्यू, 3 टॉपिक से रिलेटेड आप 3 ही निबंध तैयार कर लो तो आपका बोर्ड परीक्षा में निबंध का काम हो जाएगा। देखिए, निबंध याद कोई नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। निबंध आपको समझना है, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो निबंध में पूरे नंबर तो किसी को मिलते नहीं है, 12 में से 12 तो शायद नहीं मिलते किसी को, 12 में से 10 मिल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरा का पूरा निबंध कभी भी नहीं लिख सकते अपने तरीके से। तो निबंध को आप जितनी सरल भाषा में लिखोगे उतना आसान रहेगा, किताबी भाषा में आपको नहीं लिखना है, जिससे एग्जामिनर को लगे कि स्टूडेंट ने जो भी लिखा है अपने मन से लिखा है। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध दिखाता हूँ। ये 5 इंपॉर्टेंट निबंध ऐसे हैं उन 7 कंसर्न से, जो 7 टाइप के टॉपिक से उनसे लिए गए हैं। तो देख, पहला निबंध है ये सोशल इश्यू से रिलेटेड था, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशंस, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इस तरीके से कोई भी निबंध आता है तो वो समझ लेना है आपको प्रदूषण से रिलेटेड है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये वाला निबंध सोशल इश्यू से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर सकते हो, समझ सकते हो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। उसके बाद नेशनल कंसर्न की बात आ रही थी, तो नेशनल कंसर्न से रिलेटेड अभी देखिए हाल ही में क्या चल रहा है, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है तो इसके ऊपर आप निबंध तैयार कर सकते हो। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके ऊपर लिखने के लिए आने के चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरा देखिए क्लीन इंडिया मिशन, जो कि इंडिया में कई दिनों से लगातार चल रहा है, तो इसके ऊपर भी आप तैयार कर सकते हो। तो ये दोनों निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल इश्यू से कंसर्न है, नेशनल कंसर्न रिलेटेड ये निबंध है, ऐसे है। तीसरा देखिए साइंटिफिक रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड है, वंडर ऑफ साइंस, साइंस ऑफ बून और बैन, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस। देखिए, इस तरीके से कोई भी निबंध आ सकता है, तीनों का मतलब एक ही है, आपको या तो ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है, आपको निबंध लिखना है साइंस के ऊपर ही लिखना है, या फिर इसरो के ऊपर भी पूछा जा सकता है, इसरो के ऊपर साइंस से रिलेटेड रहेगा। तो वहाँ पर 6-7 मैंने इश्यू आपको दिखाए थे, उनमें से अगर 2-3 इश्यू आप तैयार कर लेते हो, 3 इश्यू में एक निबंध आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यूथ से रिलेटेड था, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है ये। इसके बाद 5वां था ये मिसलेनियस था, इसमें देखिए रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया अथवा अवर चेंजिंग विलेजेस। तो ये थे टॉप 5 निबंध। फ्रेंड, इन 5 निबंधों की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2021 की अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, जिसकी बदौलत आप अच्छे स्कोर कर सकें अंग्रेजी के पेपर में भी। फ्रेंड, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, हमारे चैनल पर सुपर बुक लॉन्च हो रही है 10 अक्टूबर को PCM के छात्रों के लिए। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, इन 6 सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्लस इन सब का सॉल्यूशन और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र के 3-3 सेट भी इस बुक में समाहित किया गया है। तो इस बुक का प्राइस मात्र ₹300 रखा गया है, जो कि 10 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपको ₹300 मिल जाएगा। अगर आप 10 अक्टूबर के बाद खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आपको ये ₹400 में मिलेगा। इस वाले नंबर पर आप पे कर सकते हो, इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करके आप बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं निबंध आपको लिखना कैसे है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक निबंध लिखा हुआ है वंडर ऑफ साइंस।
निबंध को किस तरीके से लिखना है, कितने नंबर का रहेगा तो कितनी हेडिंग लिखनी है, और निबंध में आपको क्या क्या यूज करना है। फ्रेंड सबसे पहले तो आपको देखना है आपका निबंध कितने नंबर का है। अगर देखिए आपका निबंध 12 नंबर का है तो 12 नंबर के निबंध में कम से कम आपको 6 हेडिंग लिखनी है। अगर आपका निबंध 10 नंबर का है तो कम से कम 5 हेडिंग आपको जरूर लिखनी है। निबंध जो भी लिख रहे हो आप हेडिंग के रूप में ही लिखोगे, पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखोगे, क्योंकि निबंध में आपकी जितनी ज़्यादा हेडिंग होंगी उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने की संभावना होती है। तो देखिए निबंध में आपको क्या क्या यूज करना है, आइटम्स एंड पैराज जिनको हिंदी में मुहावरे बोलते हैं वो आपको यूज करने हैं, कोई पोइम्स एक दो लाइन की पोइम भी यूज कर सकते हो, ट्रुथ लाइन्स होती हैं उनको यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कहावतें होती हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं उनको यूज कर सकते हो, सम वर्ड्स अंडरलाइन जो भी आप हाईलाइट मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे उनको आप ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन करोगे निबंध में। तो ये तो निबंध की सजावट हो गई। अब इसके बाद देखिए निबंध में कौन सी हेडिंग मुख्य रहती है, तो दो हेडिंग तो बिल्कुल आपको लिखनी ही लिखनी है, बाकी कुछ भी लिखो या मत लिखो इनसे निबंध की सजावट होती है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये दो हेडिंग आपके निबंध में होना जरूरी है। बीच का जो बॉडी का पार्ट है इसमें आप एक दो हेडिंग कम भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये 100% आपके निबंध में होनी चाहिए। दो नंबर इंट्रोडक्शन के रहते हैं और दो नंबर कंक्लूजन के रहते हैं, तो 4 नंबर इन्हीं दो इन दो हेडिंग से आपको मिलेंगे, बाकी का 8 नंबर आपकी जो बॉडी है बॉडी पार्ट से आपको मिलेंगे। तो बॉडी पार्ट में देखिए यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस के निबंध में मैंने क्या यूज किया है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वंडर्स ऑफ मेडिकल साइंस, सम वंडरफुल साइंटिफिक इन्वेंशन यानी कौन से आविष्कार हुए हैं जैसे टेलीफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब कुछ लिख सकते हो। मिसयूज ऑफ साइंस, साइंस के मतलब गलत उपयोग भी कैसे होता है, तो इस तरीके से आप ये वाली हेडिंग्स लिख करके वंडर ऑफ साइंस का आप निबंध आसानी से लिख सकते हो और 12 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब फ्रेंड बात करें एक हेडिंग में आपको कितने वर्ड लिखने, एक हेडिंग में अगर आप कम से कम 80 से 100 वर्ड लिख देते हो ना तो आपका निबंध बेस्ट क्वालिटी में चला जाता है, स्टेट वन में चला जाता है, आपको 12 नंबर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अगर 30 से 40 वर्ड लिखते हो तो मीडियम क्वालिटी में आ जाता है तो वहाँ पर आपको 6 से 8 नंबर मिलने की संभावना रहती है। अगर आप 20-20-30-30 वर्ड लिखोगे तो आपको 3 से 4 नंबर ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो निबंध लिखने के लिए आपको कम से कम 250 से 300 वर्ड लिखने पड़ते हैं, या फिर आपके जो बोर्ड का पेपर है उसमें क्लियर कट मेंशन किया जाता है कि कोई भी निबंध आपको कितने शब्दों में लिखना है। तो फ्रेंड्स शब्दों की जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको निबंध लिखना है। जैसे बोर्ड में बोला गया कि आपको निबंध 500 शब्दों में ख़त्म करना है, तो अगर आप वहाँ पर 300 शब्दों में निबंध को ख़त्म करोगे तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वैसे मैक्सिमम बोर्ड में बताया जाता है कि 200 शब्द लिखने के लिए आते हैं, 200 से 250 शब्द में ही आपको निबंध ख़त्म करना होता है। तो इतने शब्द आप इजीली अपने मन से बना करके लिख सकते हो और फ्रेंड आप निबंध में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हो तो। धन्यवाद दोस्तों।